Good morning, all the students. I am Shivam saksena your IT teacher. Today we will start the new chapter, and the name of this chapter is uh, editing in a documents, editing of our documents. Under this chapter, we will discuss about uh, the different types of the editing that we can do with MS Word. So the first things we will start by undo and redo. Editing means just making changes on the content. एंडफॉर्मेटिंग मीन्स में अपियर चेंजेस ऑन द कंटेंट ठीक है तो so, सबसे पहले हम अंडू और रेडियो की बात करते हैं तो समाइम इटन दैट यू हैव डू समथिंग रॉन्ग एक्शन एंड माईट भी पॉसिबल दैट यू हैव डिलेटेड सम ऑफ द पोर्शन ऑफ दस्ट तो यू कैन सिम्पली डू अंडू मीन वट्स एवर द वर्क यू हैव डन इट विल बिकम्स अनडन यानी ये हुआ ही नहीं है जो भी मान लो सपोज आपने कुछ भी डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद यू वॉन्ट इट बैक दैट यू वॉन्ट टू स्टेप बैक ऑन दैट देन यू कैन डू अंडू ऑप्शन तो अंडू के लिए हम जो कॉट शॉर्टकट कीज को प्रेस करते हैं वो कंट्रोल जेड होता है ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आपने कोई भी स्टेप किया उसको एक स्टेप बैक करने के लिए अंडू ऑप्शन अवेलेबल होता है कंट्रोल जेड इज अ शॉर्टकट की फॉर दैट रेड्यू मीन्स अगेन यू वॉन्ट टू गो फॉर द फॉर्वर्ड स्टेट जैसे एग्जाम्पल के लिए यू हैव डिलिटेड वन ऑफ द लाइन एंड नाउ यू वांट दैट यू है यू जस्ट थिंकिंग दट दिस लाइन वॉज करेक्ट एंड आई हैव बाय मिस्टेक्ली रिलेटेड दिस लाइन तो यू कैन सिम्पली प्रेस कंट्रोल जेड द लाइन विल कम अगेन अगेन यू सी द लाइन इन यू वॉन्ट दैट इट लाइन शुडन भी दैन देन प्रेस कंट्रोल वाई कंट्रोल बाय मीन्स फॉरवर्ड एक्शंस और कंट्रोल जेड मीन्स बैकवर्ड एक्शंस ठीक है नेक्स्ट जो एडिटिंग का टॉपिक आता है वो आता है सिलेक्टिंग द टेक्स देखिए अलाट ऑफ थिंग्स वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग्स एंड एडिटिंग बट विदाउट सेलेक्शन ऑफ द कंटेंट यू कैन नॉट डू एनी थिंग्स बिकॉज द सेलेक्शन विल टोल्ड द कंप्यूटर दैट वॉट टू डू एंड विद विच पार्ट्स ऑफ द कंटेंट्स दिस थिंग शुड बी डन कि जितना भी एरिया आपने सेलेक्ट किया केवल कि उतने पे ही एडिटिंग और फॉर्मेटिंग का इफेक्ट होता है तो सिलेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट वैसा तो सिलेक्शन इज़ वेरी मच इजी यू सिंपली क्लिक और उसके बाद लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके राइट right ड्रैक करेंगे राइट right सिलेक्शन के लिए लेफ्ट ड्रैक फॉर लेफ्ट सिलेक्शन ठीक है इसके अलावा होल सेलेक्शन के लिए कंट्रोल ए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं ठीक है अगर किसी वर्ड को क्लेक्ट करना है तो उस वर्ड पर डबल क्लिक कर दीजिए अगर किसी सेंटेंस को कलेक्ट करना है तो कंट्रोल को होल्ड करके कहीं भी सेंटेंस पे ट्रपल क्लिक कर दीजिए पैराग्राफ को करना है तो ट्रपल क्लिक ऑन द लेफ्ट मार्जिन ठीक है ये कुछ आपका सेलेक्शंस का एरियाज़ होता है उसके जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका जिसको हम बोलते हैं कट कॉपी पेस्ट इफ़ यू वॉन्ट टू रिपीट अ लॉट ऑफ टाइम्स द सेम देन यू कैन कॉपी इट एंड पेस्ट इट एज मैनी टाइम एज यू वॉन्ट यानी जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप उस डेटा का <coughs> कॉपीज़ बना सकते हैं

अगर आप किसी भी डेटा को सेलेक्ट कॉपी और कट करना चाहते हैं कॉपी और पेस्ट हो सिंपली उसको सेलेक्ट करेंगे और देन प्रेस कंट्रोल सी की फॉर uh, कॉपी और स्टैंडर्ड टूल बार में कॉपी ऑप्शन है उसको प्रेस करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन द प्लेस वेर यू वॉन्ट टू पेस्ट दिस डेटा उस प्लेस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे या फिर स्टैंडर्ड टूल ओवर में पेस्ट का ऑप्शन होगा आप उसको क्लिक uh, करेंगे द डेटा विल बी पेस्टेड होगा ठीक है तो ये कॉपी पेस्ट था इसके बाद अगर कट पेस्ट आता है इसको हम मूविंग ऑफ टेक्स्ट बोलते हैं तो अगर कॉपी पेस्ट होगा तो सेम डेटा विल बी अपियर ऑन द प्लेस वेर यू हैव पेस्टेड मूव पेस्ट क्या होता है मूव पेस्ट मीन्स कट पेस्ट आप सिंपली क्या करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया को uh, जिस भी पोर्शन को कट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे देन प्रेस गो फॉर द स्टैंडर्ड टूल व एंड क्लिक ऑन कट द डेटा विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट प्लेसेस and then click where you want to paste and just click on paste button okay <coughs> this is cut paste next things we want uh, going to discuss that sometime if you have written a lot of content and you want to find out a specific uh, word or a specific sentence or anything else from that particular places so you can do find and replace options too find means you simply find out the data and replace means if you want to reverse it

ठीक है एंड देन यू विल क्लिक ऑन फाइंड ऑल ऑल द होल कंटेंट विल बी सेलेक्टेड वेयर दिस पर्टिकुलर पोर्शन और द कंटेंट दैट यू हैव रिटन अ फाइंड बॉक्स विल बी सेलेक्टेड ठीक है सपोज जैसे ये मान लीजिए आपने नेक्स्ट लिखा है आप कितनी जगह नेक्स्ट लिखा है वो सब एरिया सेलेक्ट हो जाएगा अगर आपने फाइंड में नेक्स्ट लिखा अब उस नेक्स्ट को फॉरवर्ड करना है तो रिप्लेस में हम यहाँ लिखेंगे फॉरवर्ड जो भी है ठीक है यहाँ पर हम फॉरवर्ड लिखेंगे उसके बाद रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितना भी कंटेंट होगा जहाँ जहाँ नेक्स्ट लिखा होगा वहाँ वहाँ वो फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है दिस इज़ फाइंड एंड रिप्लेसिंग नेक्स्ट वन इज़ जंपिंग फ्रॉम द पेजेस जैसे सपोज देट यू हैव रिटन मेनी पेजेस फिफ्टी पेजेस हैं वन फिफ्टी पेजेज हैं एंड यू वॉन्ट टू जंप टू द नेक्स्ट वन पेजेस एकदम आपको थर्टी फाइव पेज पर जाना है तो स्क्रॉल डाउन इज वन ऑफ द ऑप्शन बट इट इज़ आई थिंक का कॉम्प्लीकेट ऑप्शन टू तो यू कैन गो फॉर द गो टू ऑप्शन आप गो टू ऑप्शन पर जाएंगे जो कि एडिटिंग मेन्यू पर मिलेगा एंड द शॉर्टकट कट की फॉर दिस इज़ कंट्रोल जी आप कंट्रोल जी को प्रेस करेंगे और वहाँ पर पेज नंबर लिख कर ओके कर देंगे यू विल रीच ऑन द पेज नंबर नेक्स्ट सम टाइम यू वॉन्ट टू आइडेंटिफाई विच इज़ विच portion ऑफ द text इज़ पैराग्राफ विच आर where यू हैव लीव द tabs एंड where यू हैव left द spaces तो ये आपका नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहलाते हैं ठीक है तो इसके लिए आपको कुछ स्पेशल करना नहीं होता है केवल स्टैंडर्ड टूल बार पे ये जो ऑप्शन होता है ये पैराग्राफ मार्क इसको ओके करना होता है इसको ओके करते ही जिस देखिए आपके टेक्स में क्या हो जाता है जहाँ जहाँ पर पैराग्राफ्स होते हैं वहाँ वहाँ पर ये पैराग्राफ मार्क डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है लाइक like दिस और जहाँ पर स्पेस होगा वहाँ सर्कल डॉट इस टाइप से शो होना शुरू हो जाता है टू आइडेंटिफाई योर पेजेस ओनली बट दिस थिंग्स विल नॉट बी प्रिंटेड ठीक है नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन आता है वो आता है स्पेल चेकिंग एंड ग्रामर इट इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एम एस वर्ड एम एस वर्ड हैविट्स ओन डिक्शनरी विच कंटेन द लॉट ऑफ स्पेलिंग्स एज वेल एज द ग्रामर्स रूल्स टू वट्स इट इज़ टेस्टेड ऑटोमेटिकली ठीक है अगर आप जो भी लिख रहे हैं तो उसमें यूजिंग राइट क्लिक्स ऑन दैट तो स्पेलिंग अगर कहीं भी आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है अ वेवी लाइन वेवी लाइन लाइक दिस एक वेवी ऐसे ऐसे करके लाइन होती है और अगर ये रेड कलर की टैक्स के नीचे आती है तो देर माइट बी द स्पेलिंग मिस्टेक और द वर्ड इज़ नॉट एग्जिस्ट इन अडिक्शनरी दोनों चीज़ें हो सकती हैं जरूरी नहीं है कि वेवी लाइन है तो स्पेलिंग मिस्टेक है वेबी लाइन इज शोइंग दट द वर्ड विच यू हैव रिटर्न इज नॉट एक्जस्ट इन अ डिक्शनरी तो यू कैन एडिड और रिप्लेसड तो डिक्शनरी में वो ऐड नहीं है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है देखिए रिप्लेस और एड कैसे करेंगे यूजिंग स्पेल चेक टूल्स आप सिम्पली स्पेल चेक को क्लिक करेंगे स्टैंडर्ड टूल वार पे जहाँ जहाँ पर जो वर्ड्स होंगे अंडरलाइन वो यहाँ पर शो हो जाएंगे उनके सजेशन भी शो हो जाएंगे तो यू कैन इग्नोर दैमॉल ठीक है तो इसे करके हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं ग्रामेटिकल एरर के लिए ग्रीन लाइंस आती है ठीक है नेक्स्ट है ट्रेजर्स ट्रेजर्स क्या होते हैं एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं सपोज़ आपको किसी भी वर्ड्स की सिनोनियम्स और एंटोनियम्स फाइंड करना है तो आप ट्रेज़र ऑप्शन को यूज़ करते हैं इसके लिए शॉर्टकट की जो है वो आपका कंट्रोल एप होती है आपको किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करना है कंट्रोल एप सेवन का द प्रेस करना तो उसका एंटोनियम्स सिनोनियम्स की एक पूरी लिस्ट राइट साइड में जो है वो डिस्प्ले हो जानी है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द होल चैप्टर लास्ट पॉइंट आपका यही है इन द नेक्स्ट वीडियो जस्ट आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड यू द नोट्स फॉर दैट थिंग्स यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन ठीक है थैंक यू वेरी मच